अस्सलाम वालेकुम, गेम ब्रेक में खुशामदी। नाज़रीन, क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुर्बत का जरिया बनने लगी है। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की कोशिशों के बाद हल्की सी उम्मीद की किरण इस जानिब भी इशारा कर रही है कि रवां साल दोनों हरीफों के दरमियान मुख्तसर T20 सीरीज़ खेली जा सकती है। इस मुतालिक जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिसर से क्रिकेट डिप्लोमेसी से मुतालिक जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने पहले इनकार किया, फिर इसके बाद इशारा दिया कि क्रिकेट रवाबत में बहाली के लिए हमसे बराह रास्त बातचीत नहीं की गई, लेकिन ये इशारा दिया जा रहा है कि आप तैयारी रखें। इस ज़मन में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी ये कहा कि हमसे बराह रास्त कोई बातचीत नहीं की गई, ना ही हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड से इस बातचीत में शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफ़ा सीरीज़ आखिरी मरतबा 2012-13 में खेली गई थी। 9 साल गुजर चुके हैं और PCB के ज़राए का ये कहना है कि इस साल अगर ये सीरीज़ काबिले अमल होती है तो भारत को पाकिस्तान आकर खेलना होगा, क्योंकि लास्ट सीरीज़ में हम गए थे और भारत ने इस सीरीज़ को होस्ट किया था। 9 साल कबल सीरीज़ जो हुई, इसके अलावा दोनों ममालिक आमने सामने ICC के इंटरनेशनल यूनिट्स और एशिया कप वगैरह में ही सामने आते रहे हैं। अब इंडिया में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीरीज़ की खबरें गर्दिश कर रही हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि पाकिस्तान टीम इस साल मुसलसल मसरूफ़ है, लेकिन अगर दोनों ममालिक के दरमियान इस सीरीज़ की बातचीत होती है तो 3 मैचेस के लिए 6 दिन की विंडो निकाली जा सकती है। दूसरी जानिब रवां माह के आखिर में और अप्रैल की पहली तारीख को ICC की मीटिंग है, जिसमें भारत ने ये बताना है कि उन्होंने रवां साल T20 इंटरनेशनल जो होस्ट कर रहे हैं उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सहाफ़ियों और तमाशाइयों के वीज़े और सिक्योरिटी के मुतालिक क्या पेशरफ्त की हैं। तो उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान अच्छी रवाबत कायम होंगे क्रिकेट के ज़रिए, खेलों के ज़रिए, और जो इनकी पेशरफ्त हैं वर्ल्ड कप के हवाले से वो भी मस्बत होगी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, तमाशाइयों के लिए और सहाफ़ियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नाज़रीन के आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार एंडी मरे ने मियामी ओपन से दस्तबरदारी दे दी है और ये ग्रोइन इंजरी के बायस उन्होंने दस्तबरदारी दी। टेनिस स्टार जितने भी हैं माया नाज, उनको कोरोना के साथ साथ इंजरीज़ का भी चैलेंज दरपेश है और डॉक्टर ने एंडी मरे को मुकम्मल रेस्ट का मशवरा दिया जिसके बाद उन्होंने दस्तबरदारी दी। इससे कबल बात करें तो सरीना विलियम्स अमेरिका की, वो भी इस टूर्नामेंट से दस्तबरदारी दे चुकी हैं और अब ये टूर्नामेंट जो है इन दोनों खिलाड़ियों के बगैर होगा। चौंका देने वाली खबर आगे प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ये पाकिस्तान के माया नाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम की जानिब से एक इंकशाफ किया गया है कि 2016 में WBC सिल्वर बेल्ट के मुकाबले में पड़ोसी मुल्क की जानिब से फिक्सिंग के लिए लाखों पाउंड्स की ऑफ़र की गई थी। ये टूर्नामेंट जो था मोहम्मद वसीम ने जीता था और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था और आइंदा जो वर्ल्ड टाइटल है उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं और दोबारा भी इनको अप्रोच किया जा रहा है फिक्सिंग के लिए, लेकिन उनका कहना है कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैं अपने मुल्क के साथ इस किस्म की गद्दारी नहीं कर सकता, मेरा पंच इन तमाम लोगों के लिए भी है। तो नाज़रीन, इस तरह के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से सबक सीख लेना चाहिए इस तरह के अनासर को जो फिक्सिंग के लिए मजबूर करते हैं खिलाड़ियों को, कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने मुल्कों से बेशुमार मोहब्बत करते हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे। प्रोग्राम में आखिरी खबर शामिल करते हैं और बताएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेट मरहूम अब्दुल कादर को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर उनके बेटों ने वीडियो पैगाम में खुशी का इजहार किया और उस्मान कादिर और सुलेमान कादिर दोनों ने अपने वीडियो पैगाम जारी किए। उस्मान कादिर ने कहा कि मैं पाकिस्तान के सदर का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे वालिद की खिदमत को सराहते हुए उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है और हमारी फैमिली बहुत खुश है। दूसरी जानिब सुलेमान कादिर, उनका भी यही कहना है कि हमारे वालिद की खिदमत को सराहा गया, उनकी वफ़ात के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, जो हमारे लिए एक खुशी का दिन है और हम प्राउड फील करते हैं अपने वालिद के इस अचीवमेंट पे। हुकूमत पाकिस्तान ने अब्दुल कादर को बाद अज़ वफ़ात सितारा इम्तियाज़ से नवाजा और गवर्नर हाउस पंजाब में इनकी अहलिया ने ये अवार्ड जो था वसूल किया। नाज़रीन, प्रोग्राम गेम ब्रेक का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नीचे दिए गए लिंक्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टीम गेम ब्रेक के साथ फरहान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।